आज बात करेंगे कि एग्जाम के फियर और स्ट्रेस को कैसे दूर करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम के डर से स्ट्रेस में आ जाते हैं। इससे स्ट्रेस से तो होती ही है, साथ में एंजाइटी होती है, इससे एसिडिटी बनती है, सर भारी भारी लगता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। और डर की बात करें तो ऐसे ऐसे डर अपने माइंड में पाल कर बैठते हैं जो 0.01% चांस होती है कि वो डर रियलिटी में हो। उस बात को अपने माइंड में बिठा करके रखते हैं। जिस चीज के लिए एक्शन लेना चाहिए वो लेते नहीं, सिर्फ सोचते रहते हैं, अरे यार एग्जाम है, 2 दिन बाद से फर्स्ट पेपर है, उसकी तो तैयारी ही नहीं हुई है, कैसे लिखूंगा, पास नहीं हो पाया तो मम्मी पापा बहुत गुस्सा करेंगे। जब पता है यार कि फेल हो गए तो मेरी खैर नहीं है, तो इन सब फालतू की बातों में क्यों आप लोग अपना टाइम वेस्ट करते हो, क्यों अपना दिमाग का भेजा फ्राई करते हैं, अपना वक्त बर्बाद करते हैं। एक तो आपके पास वक्त कम है, एग्जाम सर पर है, और आप हैं कि बेतुकी बातों को लेकर सोचे जा रहे हैं, सोच कर बीमार तक लोग पड़ जाते हैं, रातों की नींद तक की उड़ जाती है स्ट्रेस की वजह से। बहुत सारे बॉडी में ऐसे हरकत होने लगती है जिसकी वजह से न काम में न स्टडी में किसी भी चीज में मन नहीं लगता है, एकदम बॉडी थकी थकी एकदम हारी सी लगती है, तो बॉडी साथ नहीं देती है। तो कृपया करके जो भी आपने आपके पास वक्त बचे हैं, सोचने के बजाय एक्शन लीजिए, काम कीजिए, स्टडी कीजिए, जो भी जितना भी आपने सिलेबस को रेडी किए हैं पहले से उसे पढ़िए। 2 दिन बचे हैं, जम कर पढ़िए। पढ़ने बैठेंगे तो धीरे धीरे आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा और स्टडी भी साथ साथ होते रहेगी। यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप अपने स्ट्रेस को हरा सकते हैं, अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं और इजिली आप स्टडी कर सकते हैं, जो आपके स्टडी करने में हेल्प करेगी। तो नंबर 1, अवॉइड नेगेटिव फीलिंग। अपने मन से ये बात एकदम निकाल दीजिए कि मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, या फिर मैं एग्जाम क्रैक नहीं कर पाऊंगा, या फिर मैं पेपर सही से नहीं दे पाऊंगा। ये सब जितने भी नेगेटिविटी की बातें होती है उन सब चीजों को अपने माइंड से पूरे तरीके से निकाल दीजिए। नंबर 2, डोंट कंपेयर टू अदर्स। खुद को कभी भी दूसरों से मत कंपेयर कीजिए। आप जो हैं जैसे हैं, आप यूनिक हैं, आप परफेक्ट हैं, किसी से भी खुद को कंपेयर बिल्कुल भी मत करें। और लास्ट मोमेंट में तो बिल्कुल भी मत करें। अपने दोस्तों से तो ये कतई मत पूछें कि तुम्हारा कितना हुआ, तुम्हारा कितना सिलेबस हुआ, अरे यार तुमने कितना किया, ये सब बिल्कुल भी मत करें। इससे आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा हो सकती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपके दोस्त आपसे बेटर स्टडी कर रहे हैं, आपसे बेटर पढ़ाई कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा हो सकती है, नेगेटिव सोच आ सकते हैं। तो इसलिए कंपेयर बिल्कुल भी मत करें, पूछे किसी से भी कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने स्टडी पर फोकस करें। नंबर 3, फोकस ओनली 1 बुक और 1 क्वेश्चन एट ए टाइम। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं या फिर आप कोई एक क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ फोकस उसी पे रखें, कोई और सब्जेक्ट पर नहीं। अरे यार मैथ के सिलेबस नहीं हुए हैं, अरे यार अभी तो सोशल साइंस बाकी है, ये सब बिल्कुल भी नहीं, या फिर ये क्वेश्चन नहीं हुए, वो क्वेश्चन नहीं हुए, ये 5 मार्क्स के हैं, वो 2 मार्क्स के हैं, कैसे करूँ, ये सब करना है, कुछ भी नहीं करना है। फिलहाल वो करिए जो आप कर रहे हो इस वक्त। एक क्वेश्चन है पहले, उसको तो आप कंप्लीट कर लीजिए कि मुझे ये क्वेश्चन पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद किसी और चीज के बारे में सोचना है। तो जो चीज कर रहे हैं फोकस उसी पे करें, इधर उधर फोकस बिल्कुल भी ना दौड़ाएं अपना, क्योंकि वक्त कम है, काम ज्यादा है, फोकस इधर उधर होते रहेगा तो जो काम कर रहे वो भी नहीं हो पाएगा। नंबर 4, डोंट ओनली रीड एंड रीड, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड लर्न। कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसे सिर्फ रट्टू तोता के जैसे मत पढ़िए। इससे पढ़ने से कोई फायदा होने वाली नहीं है आपको, क्योंकि ठीक है अगर आप याद करते हैं उस वक्त के लिए तो याद हो जाएगा, हो सकता है एग्जाम हॉल में आप वो चीज भूल जाए, तो हो सकता है इसके लिए आप
उस कॉन्सेप्ट को समझे, समझ करके उसे लर्न करें, ठीक है। हो सकता है आपने जो याद किए वो भूल जाए, और जो आप समझे हो कॉन्सेप्ट उस बेस पर आप आंसर दे पाए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझने का बहुत इफेक्टिव होता है कि हम एग्ज़ाम के जो एग्ज़ाम देने जाते हैं उस दिन हमें बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। नंबर 5, डू सम एक्सरसाइज एंड ऑल्सो डीप ब्रीदिंग एंड सम योगा, ओके। कुछ एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपकी बॉडी फिट रहे, स्ट्रांग रहे। कुछ डीप ब्रीदिंग कीजिए, योगा कीजिए जिससे आपका माइंड पीसफुली शांत रहे और जिससे आप स्टडी अच्छे से कर पाए, ओके। कॉन्फिडेंस योर सेल्फ एंड से योर सेल्फ, आई कैन डू इट एंड अटेम्प्ट माई ऑल क्वेश्चन इन माई एग्जाम। नंबर 6 है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, पूरी तरीके से आप कॉन्फिडेंस होकर एग्जाम देने जाइए। और अगर थोड़ी भी आपको नर्वसनेस लगती है तो आप खुद से ये कहिए, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये सभी कर सकता हूँ, मैं अपने पेपर को सॉल्व आसानी से क्रैक कर सकता हूँ, एग्जाम अच्छे से दे सकता हूँ। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी जिससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम दे पाएंगे। नंबर 7, ईट लाइट फूड एंड लिक्विड डाइट। अपने डाइट का खास ख्याल रखें, बहुत हैवी भोजन ना खाएं एग्जाम के दिनों में, क्योंकि इससे आप बीमार पड़ सकते हैं। अनहाइजीनिक फूड ना खाएं, इससे भी आप बीमार पड़ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइट फूड खाएं, और हो सके तो लिक्विड डाइट लें। लिक्विड ज़्यादा लेने से ये होती है कि हमारे मेमोरी जो होते हैं उसे रिकॉल करने में बहुत हेल्प मिलती है ज़्यादा, इसलिए पानी ज़्यादा पिए और लिक्विड डाइट ज़्यादा लें। नंबर 8, स्लीप प्रॉपरली ऑन टाइम। हमेशा टाइम पे सोएं और हम अच्छे से सोएं, अपने नींद को बिल्कुल भी ख़राब मत करें, क्योंकि नींद बहुत ही ज़रूरी होती है एक हेल्दी बॉडी के लिए। अगर आपकी बॉडी हेल्थी नहीं रहेगी तो आप एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाएंगे, आप स्टडी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो नींद बहुत ही ज़रूरी है कि आप अच्छे से नींद लें। नंबर 9, टेक ब्रेक वाइल स्टडी एंड रेस्ट योर माइंड इन ब्रेक टाइम। यू कैन डू मैनी थिंग्स लाइक लिसनिंग म्यूजिक और इट्स सम स्नैक्स एंड वॉकिंग इन गार्डन। आप पढ़ाई करते वक्त थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, ब्रेक के टाइम पे आप गाने सुन सकते हैं, कुछ खाने की चीज़ें खा सकते हैं, स्नैक्स वगैरह, या फिर आप टहल सकते हैं, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है तो बस हम दिन भर कंटिन्यू पढ़ रहे, चाहे समझ में आए या ना समझ में, नहीं, थोड़ा बहुत ब्रेक लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा देर तक स्टडी करते रहते हैं तो माइंड बोर हो जाता है, माइंड की एनर्जी लो होने लगती है। तो इसलिए माइंड को एनर्जेटिक करने के लिए ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि ये सब करने के बाद भी घबराहट होती है, लाजमी है होना, किसी किसी को होती, किसी किसी को नहीं होती है। तो ऐसे वक्त में एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले अगर आपको स्ट्रेस हो रही है, घबराहट हो रही है, ये सब हो रही है, तो आप एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप एक ऐसे जगह में जाएं यहाँ जहाँ पे कोई भी ना हो, कोई भी मतलब कोई भी ना हो, आप एकदम अकेले हैं। खुली जगह है तो बहुत अच्छी बात है, अगर खुली जगह नहीं है तो आप बाथरूम में भी आप जा सकते हैं। वहाँ जाने के बाद आपको कुछ मैं जो अभी यहाँ पे बतानी वाली हूँ वो आपको करने हैं, जैसे कि आप सांस जब लें तो वो मुंह से लें, नाक से ना लें, मुंह से लें, जोर जोर से लें, ठीक है, जल्दी जल्दी लें, तेज तेज लें, जोर जोर से लें, ठीक है, नाक से ना लें। और अपने दोनों हाथों को हिलाते हुए जोर जोर से हिलाएं, एकदम जोर जोर से हिलाएं, और उसी में जोर जोर से सांस भी लें, या फिर अपने आपके माइंड में जितना भी स्ट्रेस हो रहा है तो इस तरह करने से आपका स्ट्रेस जो होगा, अगर आप 5 मिनट इसको कंटिन्यू कर लेते हैं तो आपका स्ट्रेस धीरे धीरे कम होते रहेगा। दोनों हाथों को क्या करना है, दोनों हाथों को जोर जोर से हिलाना है, अपने मुंह को खुले रखना है, मुंह से जोर जोर से सांस लेना है, और 5 मिनट तक कंटिन्यू इस तरह आपको करते रहना है, ठीक है। तो इससे आप जब आप ये करके फ्री हो जाओगे कम से कम 5 मिनट तक, तो आपको समझ में आएगा कि मेरा स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो गया है। अगर बिलीव नहीं है तो आप अभी करके देखिए,
कि ये वर्क करता भी है या नहीं करता है। ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है, ये एकदम टेस्टेड है, मैंने खुद ये ट्राई किया हुआ है, तो ये बहुत वर्क करता है। तो इस चीज़ से भी आप तुरंत अपने स्ट्रेस को ख़त्म कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल होगी, उम्मीद करती हूँ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेक श्योर आप लोग लाइक कीजिए और इसे सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, कि इसे सभी लोग, अधिकतर स्टूडेंट्स जो होते हैं एग्ज़ाम के स्ट्रेस में आ जाते हैं, एग्ज़ाम के डर से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अपडेटिंग वीडियो के लिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।